दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन और साथ साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें। हाफ MR का स्क्वायर हम लोग देख रहे थे चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में हम लोग का टॉपिक चल रहा था मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ठीक है, सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया बताया थिन रॉड का, किसका बताया? थिन रॉड का। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट मेन एक्सिस एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ अ थिन रॉड मोमेंट ऑफ एनर्शिया क्या आया था? 1/12 ML का स्क्वायर। अब थिन रॉड के एंड पर हम लोग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया, थिन रॉड के एंड पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया, जैसे ये हम लोग का कोई थिन रॉड था तो थिन रॉड के मेन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकाला गया था, क्या आया था? 1/12 ML का। अब थिन रॉड के एंड पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया हम लोग का आया था 1/3 ML का, यह आया था 1/3 ML का। ये कौन सा थ्योरम लगाया गया था? एक दूसरे क्या है, एक दूसरे क्या है? पैरलर। सेकेंड हमने देखा था यूनिफॉर्म रिंग, सर्कुलर रिंग, क्या देखा गया था? रिंग। तो रिंग के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया MR का, देखिए यहाँ पर ये रिंग था, इस रिंग के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया जिसको बोलते हैं ICG, क्या मिला था? MR का स्क्वायर। और रिंग के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया MR का स्क्वायर। अब रिंग के मेन एक्सिस के टेंजेंट मोमेंट ऑफ एनर्शिया, रिंग एक्सिस से कैसा निकालना हो? मेन एक्सिस के टेंजेंट मोमेंट ऑफ एनर्शिया, तो वहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे ये यहाँ पर हमने देखा ये हो गया रिंग, तो रिंग के टेंजेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? टेंजेंट मोमेंट ऑफ एनर्शिया। तो ये हो गया ICG, तो IT इज इक्वल टू ICG प्लस MR का, तो MR और प्लस MR कितना हो जाएगा? 2MR, यानी इसकी मोमेंट ऑफ एनर्शिया 2MR का स्क्वायर। ये जो था रिंग के मेन एक्सिस के टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, ठीक है, किसके टेंजेंट? मेन एक्सिस के, मेन एक्सिस, रिंग के मेन एक्सिस के टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ एनर्शिया 2MR का स्क्वायर। रिंग के डायमीटर के अबाउट हाफ MR का, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया आपका क्या आया था? हाफ MR का स्क्वायर। ये CD लिया गया था और ये क्या था? B, और ये क्या है? A, और ये जेड एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जेड एक्सिस को आप मानते थे मेन एक्सिस, क्या मानेंगे? मेन एक्सिस। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा। कौन सा थ्योरम होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे क्या है? पर एकदम याद करते चलें, ठीक है, तीनों एक्सिस एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ, बोलो ना, परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या लिखेंगे? IZ इज इक्वल टू IXAB + IYCD, IAB इज इक्वल टू ICD, और ये हमारा क्या होगा? MR का, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे 2IAB। तो यह IAB क्या है? रिंग का
रिंग का क्या है, कहीं से आप देखें कहीं से भी देखें तो क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। डायमीटर क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर आई ए बी इज इक्वल टू आई डायमीटर इज इक्वल टू वन बाई टू एम आर का, वन बाई टू एम आर का। तो रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर का, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग के डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री बाई टू एम आर का। थ्योरम ऑफ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो यहाँ पर ये रिंग का डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया, और ये देखिए टेंजेंट। अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो ये एक्सिस और ये टेंजेंट एक दूसरे क्या होंगे, पर यहाँ से देखोगे तो ये और ये एक दूसरे क्या है। तो ये डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो डायमीटर यहाँ लिखोगे आई डायमीटर प्लस एम आर का। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई टू एम आर का प्लस एम आर का, टू वन जा टू और वन थ्री, इसका मतलब थ्री एम आर का स्क्वायर बाई टू। यानी रिंग के डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा आपका, थ्री बाई टू एम आर का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा, बोलो ना। कल तो पसीना छोड़ रहा था, काफ़ी कंप्लीट करता नहीं है होमवर्क। सुन लो फिर से, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना है, पहले मैं बोल रहा हूँ आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने जहन में रखें। रिंग के मिनिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का, रिंग के मिनिस के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एम आर का, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई टू एम आर का, रिंग के डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री बाई टू एम आर का स्क्वायर। समझ में आया, थिन रॉड के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई टू एम आर का, थिन रॉड के मेन एक्सिस के एंड पर, थिन रॉड के मेन एक्सिस के एंड पर, या थिन रॉड के एनी एंड पर, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों में किसी भी साइड आप देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई थ्री एम आर का स्क्वायर। बात समझ में आया, बात समझ में आया। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है, जहाँ जहाँ पूछता है आई टी एम आर का स्क्वायर, आई सी जी एम आर का, सॉरी आई टी को एम के का, यम यम दुनिया से के का वैल्यू निकल सकता है रूट निकाल कर, के का वैल्यू निकल सकता है रूट निकाल कर, निकल सकता है नहीं निकल सकता है, बहुत अच्छा। तो ये रहा रिंग। अब रिंग के बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका डिफाइन किया था, डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का। तो अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलर डिस्क का। याद नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। किसका बताते हैं, सर्कुलर डिस्क का। तो सर्कुलर डिस्क का मीन्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर का, सेम एज द डायमीटर ऑफ द रिंग, सेम एज द डायमीटर ऑफ द, सेम एज द डायमीटर ऑफ द, सेम एज द डायमीटर ऑफ द, यानी रिंग के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वही सर्कुलर डिस्क के मेन एक्सिस के अबाउट। पानी पीकर आए जाए, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, डिस्क देखो ना बच्चों कि दिखाना पड़ेगा, ये डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है ये मेन एक्सिस, इस के एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आई सी जी, इंटीग्रेशन से प्रूफ किया था, याद आ रहा है हाफ एम आर का। तो ये सर्कुलर डिस्क के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर का। अब सर्कुलर डिस्क के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, तो ये डिस्क है और डिस्क के मेन एक्सिस यानी डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, बोलो, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन हाफ एम आर का स्क्वायर। अब उसके टेंजेंट पूछता है, तो मान लो ये डिस्क है, डिस्क के टेंजेंट पूछता है, तो यह टेंजेंट भी क्या हो गया, बोलो ना, परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के,
बोलो या एक दूसरे की क्या है पैरलर, एक दूसरे क्या है पैरलर। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरलर एक्सिस क्या होता है, आईसीजी प्लस एमआर का अरे बोलता है कहीं आईसीजी प्लस। तो यहाँ पर लिखोगे आई टी इज इक्वल टू आईसीजी हाफ एमआर का प्लस एमआर का, ये हो जाएगा 3/2 एमआर का, सेम एज द डायमीटर अबाउट टेंजेंट ऑफ डायमीटर फॉर अ रिंग, अबाउट टेंजेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ रिंग, रिंग के डायमीटर के टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एमआर का, सेम एज द, ठीक है, सेम एज द सर्कुलर डिस्क के मेनिसिस के टेंजेंट, मेनिसिस के कितना दिख दो 3/2 एम आर का, 3/2 एम आर का, बात समझ में आ रहा, याद रहेगा। अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कहीं से भी इसका डायमीटर लेंगे डिस्क का इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। तो ये तो रहा मेन एक्सिस, क्या रहा मेन एक्सिस, और क्या रहा दूसरा अबाउट टेंजेंट ऑफ मेन एक्सिस, ठीक है। और ये मेन एक्सिस और टेंजेंट या इस सर्कुलर इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, प्लेन के क्या है आपका याद आ रहा है, प्लेन के क्या है, प्लेन के क्या बोल नहीं सकता, स्टैंड अप, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, गुड, तो बोला करो मुंह खोला करो, ठीक है। तो आप देखिए अब मेन एक्सिस सर्कुलर डिस्क के मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर का, अब सर्कुलर डिस्क के मेन एक्सिस के टेंजेंट 3/2 एम आर का, ठीक है, याद रहेगा ना। आप देखिए इस सर्कुलर डिस्क के डायमीटर के अबाउट सर्कुलर डिस्क के, तो ये देखिए डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया जेड एक्सिस, ये क्या है, तो इसको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यह 2D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो यहाँ पर क्या हुआ जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3D हो जा रहा है ना, अरे बोलता क्या, तो इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो जेड ओ जेड डैश, जेड ओ जेड डैश, जेड ओ जेड डैश, समझ आया, स्टैंड अप। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए हाँ हाफ एम आर का स्क्वायर, वो तो हाफ एम आर का स्क्वायर, तो दूसरा हाफ एम आर का स्क्वायर बता रहे हो क्या बोल रहा है जी, हाफ एम आर का स्क्वायर बोल रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का फॉर्मूला है, हाफ आई इंटू मेगा का ओवर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ ओवर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी। अरे क्या करना है सिरम, मैं सुनाता हूँ कहानी उसका, किसका रिलेशन, ये जो हमारा अर्थ है इसका एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है कि यूनिफॉर्म है, अरे बोलो ना, यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और ये कंसीडर इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट पार्टिकल, ठीक है बोलो, कंसीडर
और रिजिड बॉडी आर मेड अप ऑफ स्मॉल एंड पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1, M2, M3, MN. Situated at a distance from the main R1, R2, R3, RN. With a uniform velocity rotating at a uniform velocity. Over constant velocity. Over constant velocity. But linear velocity on each particle will be difference. Will be ऐसा क्यों है? क्योंकि रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जिस ये तो कांस्टेंट है, तो हर एक पार्ट के, मान लो ये एक्सिस है m1 m2 m3 m4 m5 m6 m तो रेडियस सबरे पार्टिकल का डिफरेंट है, रेडियस सारे पार्टिकल का क्या है? डिफरेंट। तो जिसका पोजीशन, जिसका डिस्टेंस बढ़ेगा उसका ये स्पीड भी बढ़ सकता है ना। नज़र लगा कर देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, तो देन लीनियर वेलोसिटी ऑन ईच पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑन ईच पार्टिकल v1 r1 इंटू ओमेगा, v2 r2 इंटू ओमेगा, v3 r3 इंटू ओमेगा, vn rn इंटू ओमेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑन ईच पार्टिकल, टोटल रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑन ईच, यहाँ देख के हाफ m1 v1 का प्लस हाफ m2 v2 का प्लस हाफ m3 v3 का, अरे डॉट हाफ m1 vn का स्क्वायर। पढ़ता नहीं है, घर पे जाकर रिवीजन नहीं करता है, अब बनेगा डॉक्टर इंजीनियर। तुम्हारे जैसा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो पेशेंट एक ही दिन में जीता भी रहेगा तो मर जाएगा, है कि नहीं? यहाँ देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा, रोटेटरी का पूछा, हाफ m1 का स्क्वायर बोलता है। ऐसा किसी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है? अरे बोलो, किसी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ m r का, हाफ m r का नहीं होता है, होता है। यहाँ देख v1 v2 v3 यहाँ दिखता है, नहीं दिखता? अब देख फार्मूला, देखिए अब देखिए, दिखाई दे रहा है? तो आप देखो यहाँ पर लिखोगे हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का, प्लस हाफ m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का, डॉट प्लस घर द्वार हाफ m1 r n का स्क्वायर इंटू ओमेगा का। नजरे लगा कर देखिए, हाफ और ओमेगा का स्क्वायर निकाल के बाहर रख लेंगे, निकाल के बाहर जेब में रख लेंगे, है कहाँ रख लेंगे? जेब में। तो देखिए इसका जेब किधर है? इधर है, ये हाफ ओमेगा का, तो ये जेब के अंदर, तो दूसरा जेब से बाहर हो जा रहा है। देख m1 r1 का, m2 r2 का, m3 r3 का, m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस m n r n का। अब सोचो, जरा सोचो बच्चों, क्या सोचना है? ये बताया गया है, देखिए कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्वोशेंट मतलब डिवाइड, भाग देना, प्रोडक्ट मतलब गुणा करना।
तो द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम हो रहा है सारे प्रोडक्ट का सम। देखिए एम वन आर वन का स्क्वायर का प्रोडक्ट, एम टू आर टू का स्क्वायर का प्रोडक्ट, सम हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना। तो कुछ ऐसा ही डिफिनेशन होता है ना लल्ला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या होता है स्टैंड अप डिफिनेशन, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? हाँ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो या देखिए, सिट डाउन, वेरी गुड। हाफ ओमेगा का स्क्वायर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू एन, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एम आई इंटू आर आई का इतना को हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे, क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ, इसको कहेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ ओ आर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ओ आर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं है राधे राधे, ये कोई रिजिड बॉडी है? अरे बोलना, ये ले लो जेड डैश, ये ले लो ओ, ये ले लो जेड जेड। अब यहाँ पर एम वन है, यहाँ पर क्या है एम टू है, यहाँ पर क्या है एम थ्री है, यहाँ पर क्या है एम फोर है, यहाँ पर क्या ले लो एम एन। तो ये देखिए इसका इससे डिस्टेंस है, सब क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, बोलो। और मान लो ये घूम रोटेट करता हो ऐसे, कैसे रोटेट करता हो, डिच किया ये ओमेगा, तो इसका ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये सब एफ थ्री वी थ्री, ये होगा वी वन, ये होगा वी टू, ये होगा वी फोर, ये होगा वी एन, ठीक है। फिगर बनाने के बाद लिखोगे, फिर ध्यान से सुनो, अच्छे से समझता नहीं है, पूछता हूँ तो बताता नहीं है, बात समझ में आ रहा है, बिल इसका मतलब बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, है ना, लाल मिर्चा चाहिए तुम लोगों को, मालूम है चार डंडा समझ में आ जाएगा। मेहनत करें, पैसा लगता है, टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। देख फिगर दिखाई दिया, बोलो ना, हेयरिंग दिखाई दे रहा है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन, समझ में आ रहा है, फिगर बनाकर, फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद, फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे आप, सिट डाउन, फिगर बनाएंगे, कहेंगे कंसीडर, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड आप टोटल मास कैपिटल एम एंड टोटल रेडियस कैपिटल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कंसीडर अ रिजिड बॉडी आर मेड अप ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल, माना कि एक रिजिड बॉडी है जो स्मॉल एन पार्टिकल से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी आर मेड अप ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल ऑफ मासेस एम वन एम टू एम थ्री डॉट 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 एम एन एट सिचुएटेड एंड एट अ सिचुएटेड या एट अ सिचुएटेड फ्रॉम द एक्सिस जेड ओ जेड डैश ऑफ अ डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री डॉट 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 आर एन। आई बात समझ में, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑन ईच पार्टिकल विल बी सेम या कांस्टेंट या बट एंगुलर नहीं लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल का क्या है, तो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी
कहाँ पढ़ेंगे आप ये चैप्टर, कहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे? सर्कुलर मोशन में, लॉ ऑफ मोशन उनमें चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन, क्रिटिकल वेलासिटी, टेंशन वेंशन प्रूफ किया गया होगा बिफोर चैप्टर में, बताया गया लेक्चर में। तो अब देखिए कहने का भाव यहाँ पर ये है कि लीनियर वेलासिटी हर एक पार्टिकल का डिफरेंट है, बट एंगुलर वेलासिटी क्या है? सेम है, बात समझ में आया? देयरफॉर लीनियर वेलासिटी ऑन ईच पार्टिकल इज गिवेन बाय वी वन इज इक्वल टू आर वन इंटू वी टू इज इक्वल टू आर टू इंटू वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री इंटू डॉट 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 वी एन इज इक्वल टू आर एन इंटू ओमेगा। बात समझ में आया? नाउ क्या बोलाया? नाउ को बोलाया, किसको बोलाया? नाउ कभी चुप नहीं बैठता है, लगता है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा नाव के पास जाएंगे बाल कटवाने तो एक 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 ऐसा बात करेगा कि आप खुश हो जाएंगे और उसी में आपका बाल भी कट जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलता, नहीं होता है। तो अगर नाव काइनेटिक एनर्जी ऑन ईच पार्टिकल है या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑन अ रिजिड बॉडी, पूरे रिजिड बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री डॉट 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 के एन। बात समझ में आ रहा है? ओ आर के इज इक्वल टू या टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू या रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन का प्लस हाफ एम टू वी टू का प्लस हाफ एम थ्री वी थ्री का प्लस हाफ एम एन वी एन का होगा कि नहीं होगा? डाट डाट करके अब वी वन वी टू वी थ्री का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? ब्लैकबोर्ड की तरफ देखो, हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर इंटू ओमेगा का प्लस हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा का प्लस हाफ एम थ्री हाफ एम थ्री आर थ्री इंटू ओमेगा का प्लस डॉट 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 प्लस हाफ एम एन आर एन इंटू ओमेगा का। नजर लगा कर देखिए हाफ और ओमेगा इसमें क्या है? कॉमन है, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। बोलो नजर लगा कर देखिए, कोष्टक के बाहर रखा गया, इधर दिखाई दे रहा है, इधर ताक रहा है, इधर झाक रहा है, ये कोष्टक है ना, कोष्टक के इधर झाक रहा है और इक्वल टू के राइट साइड, इक्वल टू के राइट साइड झाक रहा है और ये बक्से के ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में हाफ ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब ब्रैकेट में रखा एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर प्लस एम एन एम प्लस एम एन इंटू आर एन का ओ आर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा का स्क्वायर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन इंटू एम आई इंटू आर आई का बट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन एथ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी आई। क्या हो गया? आई। तो देयरफॉर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा का। याद रहेगा ना जिंदगी के लिए? याद रहेगा ना? अब नहीं ना बोलोगे कि हाफ हाफ एम आर का स्क्वायर, पढ़ता नहीं है, ऐसे ऐसे बैठा रहता है जैसा लगता है कि सिनेमा हॉल है, इसलिए हॉल है नहीं, सिनेमा हॉल नेक्स्ट डे मिलेंगे।